राजस्थान पुलिस में इन दिनों तूफान ला देने वाले स्विमिंग पूल कांड में लम्हा लम्हा कुछ न कुछ नया और सनसनीखेज निकलकर सामने आ रहा है। पता चला है कि स्विमिंग पूल कांड में अब तक जमाना जिस महिला सिपाही को पीड़ित समझ रहा था, दरअसल सामदाम दंड भेद के साथ डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी को स्विमिंग पूल तक ले जाकर और फिर स्विमिंग पूल में पुलिस अफसर का आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बनवाने के पीछे महिला सिपाही का ही असली दिमाग था। लिहाजा इन तथ्यों के सामने आते ही राज्य पुलिस महानिदेशालय के आदेश पर मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने आरोपी संदिग्ध महिला सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया है। महिला सिपाही को महकमा सस्पेंड पहले ही कर चुका है। फिलहाल महिला सिपाही और गिरफ्तार डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी दोनों ही 17 सितंबर तक पुलिस की हिरासत में हैं। मामले की तह तक पहुंचने में जुटे एसओजी टीम अब गिरफ्तार डिप्टी एसपी और महिला सिपाही को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इस मामले में महिला सिपाही और उसके पति के मोबाइल मैं सिम जब्त किए जा चुके हैं। जांच में अब तक ये भी बात सामने आई है कि स्विमिंग पूल कांड का जिन ऐसे ही बैठे बैठाए बाहर नहीं आया आरोपी। और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में डिप्टी एसपी हीरालाल सैनी व महिला सिपाही बीते 5 साल से एक दूसरे के करीब थे, दोनों के बीच अंतरंग संबंध भी थे। ऐसे में अब अचानक आखिर स्विमिंग पूल में बना दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर इतने साल बाद कैसे और क्यों वायरल हो गया, इस सवाल के जवाब में पुलिस टीमों को अय्याशी की आड़ में ब्लैकमेलिंग का काला कारोबार चलाए जाने की बुआ रही है। इस पूरे मामले में गंभीर ये है कि इस बार वायरल किए गए स्विमिंग पूल वाले वीडियो में महिला सिपाही के साथ मौजूद उसका 6 साल का बच्चा भी मौजूद है। डिप्टी एसपी और महिला सिपाही की घिनौनी हरकतें ही उन दोनों को सजा का हकदार बना देंगी। फिलहाल पुलिस अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि इस वीडियो के वायरल करने के पीछे ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है।